आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम अणु क्या है, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने परमाणु एटम के बारे में जाना। क्या तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं? नहीं, परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। परमाणु अणु मॉलिक्यूल एवं आयन बनाते हैं, जो अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम अणु मॉलिक्यूल के बारे में और जानें। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि अणु मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अणु मॉलिक्यूल ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं एटम्स का समूह होता है, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु मॉलिक्यूल किसी तत्व अथवा यौगिक का वो सूक्ष्मतम कण है, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। अणु एक ही तत्व के परमाणुओं अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोग से निर्मित होते हैं। चलिए पहले हम तत्वों से निर्मित अणुओं के बारे में जानें। तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता एटॉमिसिटी कहते हैं। आर्गन AR, हीलियम HE इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, परंतु अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरणतः ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक इसी तरह जब तीन ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं, इसलिए उन्हें बहु परमाणुक पॉलीएटॉमिक अणु कहते हैं। यहां आप कुछ तत्वों की परमाणुकता एटॉमिसिटी देख सकते हैं। चलिए अब हम यौगिकों के अणुओं पर चर्चा करें। यौगिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों कंपाउंड्स के अणु निर्माण करते हैं। आइए उदाहरण के लिए हम जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। जल अणु में विद्यमान हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान अनुपात है 1/8 1:8 और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1U तथा ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16U है। अब बस हम इस तरह से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात को उनके परमाणुओं के द्रव्यमानों से भाग करके जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात H/O H2O यानी 2/1 को ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें आयन क्या होते हैं। धातु एवं अधातु जिन आवेशित कणों से बनते हैं उन्हें आयन कहा जाता है। आयन को उन पर मौजूद आवेश के आधार पर दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। ऋण आवेशित कण ऋणायन एनायन कहलाते हैं और धन आवेशित कण धनायन कैटायन कहलाते हैं।
उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl में धनात्मक सोडियम आयन Na+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- संगठक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश नेट चार्ज विद्यमान होता है। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे बहु परमाणुक आयन पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अणु क्या होता है व्हाट इज अ मॉलिक्यूल इसका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम रासायनिक सूत्र लिखने राइटिंग केमिकल फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करेंगे।